मुरली मनोहर गोवर्धनधारी बांके बिहारी भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, महाभारत कथा की इस श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज के प्रसंग में मैं आपको पांचों पांडवों का जन्म की कथा बताऊंगा और तत्पश्चात पांडु का देहावसान कैसे हुआ यह बताऊंगा। पूर्व की कथाओं में, इससे पहले की कथा में मैंने आपको बताया था कि माता कुंती का जन्म कैसे होता है, दुर्वासा ऋषि के मंत्र के प्रभाव से किस प्रकार से हुए कर्ण को जन्म देती है और फिर किस प्रकार से भरत श्रेष्ठ महाराज पांडु के साथ उनका विवाह होता है। तो इस प्रकार से माता कुंती का विवाह भरत श्रेष्ठ महाराज पांडु से हो जाने के कारण वे हस्तिनापुर को आ जाती है। एक दिन की बात है श्रोताओं, महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने जाते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि दुर्वासा ऋषि ने माता कुंती को ऐसा वरदान क्यों दिया था, क्योंकि वे अपने दिव्य दृष्टि से जान चुके थे कि माता कुंती को अपने पति से, पति की ओर से कोई भी पुत्र की प्राप्ति या कोई भी संतान नहीं मिलेगा, तब यह मंत्र काम आएगा, यह दुर्वासा ऋषि समझ चुके थे। आज की कथा में मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक दिन की बात है श्रोताओं कि महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। उन दिनों राजा महाराजाओं में शिकार खेलने की एक प्रथा थी, रिवाज था। तो जंगल में उसे एक हिरण दिखाई देता है, किंतु वो वास्तव में हिरण ना होकर एक ऋषि दंपत्ति रहते हैं जो कि विहार करते रहते हैं। महाराजा पांडु ने उसको हिरण समझकर तीर से मार गिराता है और उसको पता ही नहीं रहता था कि यह ऋषि दंपत्ति है। ऋषि ने मरते मनते पांडु को श्राप दे देते हैं कि वह बोलते हैं कि पापी, अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ा करते हुए तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का उन्होंने श्राप दिया और ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ और अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटा। पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वो वन में चले गए और ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि उस श्राप से बहुत खिन्न हो गए थे और श्राप का कोई फिलहाल तोड़ भी नहीं था। अब वे अपने दोनों पत्नियों के साथ ब्रह्मचारियों जैसा जीवन जीने लगे। कुंती ने महसूस किया कि महाराजा को पुत्र की लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्रापवश वह पुत्रपन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब सहसा उसको दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए वरदान का ध्यान आया और उन्होंने इसका जिक्र पांडु से किया। महाराजा पांडु ने कुंती से इन मंत्रों का प्रयोग करने को कहा। महाराजा पांडु के अनुरोध करने पर कुंती और माद्री ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का प्रयोग करके देवताओं के अनुग्रह से पांच पांडवों को जन्म दिया इन्हीं वन में, और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने बढ़ने लगे और महाराजा पांडु बरसों तक वन में ही रही। एक समय की बात है, वसंत ऋतु थी और सभी वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस अनुपम सृष्टि को निहार रहे थे। ऋतु के प्रभाववश उनके अंतर्गत काम वासना जागृत हो गई और वे माद्री के साथ क्रीड़ा करने को आतुर हो गए। माद्री ने उन्हें बहुत रोका परंतु पांडु नहीं माने और कामवश वह अपने विवेकशील बुद्धि को खो बैठे और ऋषि के श्राप स्वरूप उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। माद्री को बहुत पछतावा हुआ। पति के मृत्यु का कारण वे स्वयं अपने आप को सोचकर वह जलती हुई चिता में कूदकर प्राण दे देती है। इस घटना से माता कुंती और पांचों पांडवों की शोक की सीमा न रही।
किंतु वन के ऋषि मुनि ने उनको बहुत समझाया बुझाया और शांत किया तथा हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। उस समय युधिष्ठिर की उम्र 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो वो शोक मनाने लगे, किंतु उनके पुत्रों को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने पोते की मृत्यु की खबर सुनकर सत्यवती बहुत अधीर हो उठी और तत्पश्चात सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। दोनों वृद्धाएं कुछ समय तक तपस्या करती रही, बाद में वहीं से स्वर्ग सिधार गई। तो इस प्रकार से श्रोताओं, आज की कथा में, आज की इस महाभारत कथा में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से महाराजा पांडु और माता कुंती माद्री से पांचों पांडवों का जन्म होता है और किस प्रकार से महाराजा पांडु का देहावसान होता है। आगे आने वाली महाभारत की कथाओं में मैं इसी प्रकार से बहुत ही रोचक जानकारी, रोचक कथाओं के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।